शाम को आने का सोचूंगा तो भाई इतना भीड़ हो जाएगा ना कि अंदर तो दम घुटने लगता है। अब लगेगा इसमें जुगाड़ दिमाग सब लगेगा कि लिटिल हार्ट। अब ये प्लान तो मेरा ईद के दिन का था बट आज कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ आने से पहले ट्रेलर देख लेना चाहिए था और हाँ हॉल में सिर्फ चार जगह है। पर क्या क्या अच्छा लगा, कैसे कैसे अच्छा लगा घर जाके बताऊंगा। सुबह सुबह आए हैं डीमार्ट, एकदम उठते ही कोई नहीं है, दो चार गाड़ियां बस हैं और कुछ नहीं है क्योंकि आज संडे का दिन है और शाम को आने का सोचूंगा तो भाई इतना भीड़ हो जाएगा ना कि अंदर तो दम घुटने लगता है। सुबह सुबह आओ, अपना सामान वामान लो, चुपचाप मतलब टहलो एकदम बॉगे। दिखाता हूँ ना अंदर में कैसा खाली खाली होगा इधर, ऐसा कि जैसे टहलने आए हैं। ग्रोसरीज तो ले लिए, कितना सारा सामान है ठीक है। अब टेंशन इस बात का है कि इतना कुछ ले कैसे जाएंगे क्योंकि आज स्कूटी नहीं है, आज है बाइक और मैं जो कैरी करने के लिए झोला सिर्फ दो लाया हूँ। अब लगेगा इसमें जुगाड़ दिमाग सब लगेगा कि इसको ले के कैसे जाना है। तो ऐसे कुछ एडजस्ट किए हैं पूरा सामान, सारा मेरा गाड़ी लोडिंग गाड़ी हो गया था, कैसे कैसे करके भरा हूँ ना भाई सामान पूरा। गृहस्थी घर गृहस्थी वाला कैसा लग रहा है कि छोटे से गाड़ी घर गृह। मार्ट से भाई तुम्हारा लेके आया है लिटिल हार्ट्स, किसको किसको याद है ये बताओ। बहुत दिन हो गया, बहुत 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 दिन हो गया ये खाए हुए, बहुत दिन। मेरे को दिखा तो मैं एक पैकेट ले आया, टेस्ट करेंगे इसको अब कैसे। रुको मैं इसको लगाता हूँ, ट्राइपॉड में लगाता हूँ। ASMR नाश्ता चेक करो दोस्तों, पोहा और ऊपर से सेव, सेव पोहा सब अभी भी लाया गया है और अभी पकाया गया है। डोंट जज द क्वांटिटी, मेरा एपेटाइट बड़ा है, मैं बहुत खाता हूँ तभी मोटा हूँ। अब ये प्लान तो मेरा ईद के दिन का था बट आज कर रहा हूँ। आया हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखने, टिकट्स मिल गए हैं दोस्तों। मेरे को यहाँ आने से पहले ट्रेलर देख लेना चाहिए था, बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है। अब इतना एक्शन डाइजेस्ट होगा नहीं होगा क्या होगा वो जब चालू होगा और फिर जब मैं देखूँगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को कैसा लगा। ट्रेलर में बहुत ज़्यादा एक्शन नियर टू रियल नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा है। अब देखते
मैं बताऊंगा आपको पहले जब हाफ टाइम होगा। हाफ टाइम में क्या होता है, इंटरवल होगा, तब मैं बताऊंगा कि कैसा लग रहा है अभी तक। फिर जब और आगे बढ़ेगी पिक्चर, फिर जब क्लाइमैक्स ख़त्म होगा पिक्चर, और हाँ हॉल में सिर्फ चार्जर है। मैं जिस हॉल में आया हूँ, मैं एक पॉइंट आउट नहीं करूँगा, मैं मम्मी और दो जाएगा। वैसे अभी टाइम भी है, 10-5 मिनट बाकी है, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा भरेगा। दो कारण हो सकते हैं इसका, तो ये हॉल उतना पॉपुलर और वो नहीं है, बट पिक्चर देख सकते हैं आप, तो आपको बराबर मज़ा आ जाएगा। इसलिए भी हो सकता है पहले भी इसी हॉल में। हाँ मैं इसी में आता हूँ, क्योंकि ना यहाँ ये कर सकते, समझ रहे हो ना बात को, तो चार जन है बस। अभी देख के निकले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैं घर जाके बताता हूँ ना, सब चीज़ बताऊँगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पर क्या क्या अच्छा लगा, कैसे कैसे अच्छा लगा, घर जाके बताऊँगा। सो बैक होम, चेंज भी कर लिया, अब मैं आपको बताता हूँ मूवी के बारे में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा मूवी था। ऐसा मूवी नहीं था कि मैं उसको बार बार जाके देखूँ, बट अच्छा मूवी था। उसमें बहुत सारा ना आपको नॉस्टैल्जिया लगेगा, कैसे, जो पुराना वाला है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अमिताभ बच्चन और गोविंदा का, उसका जो थीम सॉन्ग है, समझ गए ना कौन सा ला? बड़े नहीं क्या, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ टा, वो वाला जो थीम सॉन्ग है, उसको जो मॉडिफाई किए हैं या उसको जो चेंज किए हैं, वो जब बजता है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एंट्री पे, वो एकदम नॉस्टैल्जिया देता है वो वाले पिक्चर का, अपना अमिताभ बच्चन और गोविंदा वाले पिक्चर का। और पिक्चर में ना बहुत सारे रेफरेंसेस है, कोई मीम का रेफरेंस है, जैसे कि टाइगर श्रॉफ पे एक मीम बना था छोटी बच्ची हो गया, उसका एक रेफरेंस है। फिर एक गेम का रेफरेंस है पबजी, फिर अक्षय कुमार ने एक गेम बनाया था फौजी, और ऐसे ऐसे ना बहुत सारे रेफरेंसेस है मूवी में। तो अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है, मैं कुछ पकड़ पाया कुछ नहीं पकड़ पाया, बाकी आप जाओ देखो और आपको पकड़ में आता है तो उसको पकड़ो कि कौन सा सीन कहाँ का रेफरेंस है। बहुत सारे रेफरेंसेस ना इधर उधर मूवी के बीच में छुपे हुए हैं। बाकी ओवरऑल मूवी में बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा फाइटिंग है, और अच्छा फाइटिंग है, मतलब अच्छा है, मज़ा आएगा देख के, एकदम खून उबलने वाला नहीं है, एकदम बॉडी गर्म हो जाएगा, बट एक अच्छा लगेगा। फिर हाँ फैमिली मूवी है, मम्मी भी बताइए, मेरे को ना वर्ड्स नहीं आते बोलते समय, फैमिली मूवी है, बढ़िया फैमिली के साथ जाओ देखो, किसी को कोई अनकंफर्टेबल नहीं होगा, सब साथ में बैठ के देख सकते हैं। फिर फाइट के बीच में ऐसा नहीं किसी फाइट 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 है, बीच में तो कॉमेडी भी है। टाइगर श्रॉफ बहुत लेम जोक्स मारता है, बहुत गंदे गंदे जोक्स मारता है उसमें, जिसको देख के भी मज़ा आता है, वो सब चीज़ें हैं। बाकी मैं तो देख के आ गया पिक्चर, अब आप जाओ आप देख के आओ, अच्छा लगेगा पिक्चर, बुरा नहीं है। मैंने ट्रेलर नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था, बिना कुछ देखे ही गया था, तो जाओ आप भी देखो। अब मैं खाना खाता हूँ और सोता हूँ।